नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले में कोरोना की तीसरी लहर में आंकड़े अब डराने लगे हैं। शनिवार को जिले में 428 नए पॉजिटिव केस मिले। शहर के सुभाष नगर के साथ ही जिले का मांडलगढ़ कस्बा भी हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो भीलवाड़ा में 1484 नए कोरोना मरीज मिले। आरआरटी टीम प्रभारी डॉ घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि शनिवार को जिले में 428 नए पॉजिटिव केस मिले, जिसमें सर्वाधिक 55 केस जिले के मांडलगढ़ कस्बे से सामने आए। सुभाष नगर में 44, जहाजपुर में 34, गंगापुर से 33, गुलापुरा से 29, बनेड़ा से 7, बापूनगर से 12, चपरासी कॉलोनी में 25, चंद्रशेखर आजाद नगर से 18, काशीपुरी से 13, कोटी में 8, मॉडल में 16, पुर में 8, रायपुर में 13, सांगानेरी गेट से 28, सांगानेर व शाहपुरा में 19, शास्त्री नगर में 22, जबकि सुवाणा में 25 संक्रमित मिले। भीलवाड़ा में पिछले 5 दिनों की बात करें तो इन 5 दिनों में 1484 नए संक्रमित मिले। 18 जनवरी को जहां 90 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 19 जनवरी को 277, 20 को 298, 21 को 391 और 22 जनवरी को 428 कोरोना संक्रमित मिले। ऐसे में यह बात तय हो गई है कि भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लोगों की लापरवाही के चलते यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर अब भी लोगों ने सबक नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जब भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमितों की संख्या भयावह होगी। कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण ने गांव में अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। गांव में संक्रमण शहरी क्षेत्र की तुलना में बढ़ गया है। कारण वही लापरवाही ही है। इससे पहले तक शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद ज्यादा मिल रही थी, लेकिन अब गांव में कोरोना संक्रमण शहरी क्षेत्र से ज्यादा हो गया है। 22 जनवरी को ग्रामीण क्षेत्र में 239 जबकि शहरी में 179 कोरोना संक्रमित मिले। भीलवाड़ा के नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने शनिवार को महात्मा गांधी अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी कार्यभार संभालने के बाद शनिवार को पहली बार महात्मा गांधी अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी, आईसीयू सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वार्डों में भर्ती मरीजों से उनकी कुशल क्षेम पूछी और इलाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर के साथ पीएमओ डॉ अरुण गौड़ व सीएमएचओ डॉ मुश्ताक खान सहित चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं अच्छी है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में कोरोना के केस तो आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर मरीजों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अभी केवल 7 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल बना और इसमें चिकित्सा विभाग की इंटेलिजेंस और विवेक का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। सुबह करीब 11:30 बजे कलेक्टर मोदी एडीएम एनके राजौरा के साथ अस्पताल पहुंचे। पीएम और सीएमएचओ ने कलेक्टर का स्वागत किया। कलेक्टर सबसे पहले इमरजेंसी और आउटडोर में पहुंचे और 1-2 मरीजों से बात कर अस्पताल में व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, जिस पर मरीजों ने उन्हें बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद वे आईसीयू में पहुंचे और मरीज के साथ मौजूद अटेंडर से जानकारी ली। एनआईसीयू का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर नए बनाए गए कोविड आईसीयू में भी गए। उन्होंने मरीजों की सहायता के लिए स्थापित की गई कोविड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर गौड़ ने कलेक्टर को इमरजेंसी सहित अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी दी। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल की फिजा बदली बदली नजर आई। सब कुछ व्यवस्थित दिखा। बात चाहे सफाई व्यवस्था की थी या स्टाफ सहित डॉक्टरों का सीट पर मिलना, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। चिकित्सा कर्मी अनुशासन में नजर आए। मरीज भी चिकित्सा व्यवस्था बेहतर मिलने से खुश नजर आए। आज मैंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। पीएमओ साहब के साथ, एडीएम साहब के साथ और पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित थी। और निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि जैसा कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है, तो ऑब्वियसली अपनी मेहनत के कारण, अपने इंटेलिजेंस और अपने विवेक के कारण मशहूर हुआ है। यहाँ पर जिला अस्पताल की चिकित्सा की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पेशेंट से भी मैंने इंटरेक्ट किया, बातचीत की। जो पेशेंट्स कुछ आईसीयू में थे, जो ओपीडी के लिए आए हुए थे, सब लोग संतुष्ट थे। सब लोगों को यहाँ पर निःशुल्क जाँच, निःशुल्क दवा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे ज़िले की पूरी मेडिकल टीम को, पीएमओ साहब को, सीएमएचओ साहब को, कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर मेडिकल की तैयारियाँ हैं वो दुरुस्त हैं। कोविड की तीसरी लहर के मद्देनज़र केसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीरियस केसेस हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। वो केवल 7 केस एडमिट हैं और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ज़िले में सभी ज़िलेवासी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करेंगे और इसकी जो पालना होगी उससे आई एम श्योर कि निकट भविष्य में थर्ड वेव जो अभी आ रखी है
उससे हम निजात पा सकेंगे। उपनगरपुर के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को जवाहर फाउंडेशन एवं जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से जरूरतमंद बालक बालिकाओं को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर व कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं भिलवाड़ा से विधानसभा चुनाव प्रत्याशी अनिल डांगी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जवाहर फाउंडेशन प्रभारी एलएनजी रजनीश वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि सुवाणा के पूर्व प्रधान भवन लाल गर्ग वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल महात्मा थे। कार्यक्रम आयोजक पार्षद एवं सेवादल भिलवाड़ा जिलाध्यक्ष योगेश सोनी ने बताया कि भीषण सर्दी को देखते हुए विद्यालय के बालक बालिकाओं को जवाहर फाउंडेशन व सेवा दल के द्वारा स्वेटर बांटे गए। मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि असहाय और कमजोर की सेवा में ही सच्चा सुख है। बच्चों को स्वेटर वितरित करने से उन्हें सर्दी से बचाव में सहायता मिलेगी तो मास्क उन्हें कोरोना महामारी से बचने में सहायता देगा। उन्होंने कहा कि बच्चे हो या बड़े, कोरोना से बचाव के लिए भीड़ में और सार्वजनिक स्थानों व बाजार में जाने पर मास्क सभी को लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी चाहिए। डांगी ने कहा कि सभी को इस महामारी से सेहत की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जा रही गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल और जवाहर फाउंडेशन दोनों ही संगठन सच्चे मन से असहाय की सेवा में लगे हैं जो दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। इस कार्यक्रम में पार्षद सुशीला पैरवा, डीएमएफटी सदस्य मोहम्मद हारून रंगरेज, यासीन मोहम्मद, मुरलीधर व्यास, श्यामलाल भारद्वाज, उमेश सिंघवी, रमजान सौरगर, दयाराम माली, मिठूलाल माली, सोहनलाल रेगर, ईश्वर चौबे, रमेश विश्नोई, भंवर जाट, रफीक पठान, दीपक भारद्वाज, जिला प्रवक्ता कुंदन शर्मा, जिला संगठन मंत्री पप्पू, जिला कोषाध्यक्ष निशान दूत, जिला प्रवक्ता नंदास वैष्णव, जिला सचिव असलम सौरगर, पुलकित टेलर, श्यामलाल पाराशर, बालू विश्नोई, पीरू मंसूरी, अनवर सौरगर, अशोक पाराशर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा एचएम अंतिमा व्यास, गर्ल्स कॉलेज, एचएम कल्पना भटनागर, राकेश पंचोली, रोहित शर्मा, अशोक वर्मा, मनीष टांग, दुर्गालाल जोशी, वंदना बिरला, माधुरी खंडेलवाल, सरोज जोशी, रीना राणावत, मंजू शर्मा, बीना शर्मा, रेखा जाट आदि भी मौजूद थे। अनिल डांगी व रजनीश वर्मा ने स्कूल प्रशासन को भरोसा दिलाया, विश्वास दिया कि जो आपकी मांगे हैं वह तत्काल पूर्ण करने में सहयोग किया जाएगा। प्रिया पैरवा, ये होमवर्क बालिकाएं हैं और उम्मीद है इस चीज की उन्हीं का चयन किया गया है। निकिता माली, शनिवार को कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में ब्लॉक स्तरीय निशुल्क साइकिल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपने संबोधन में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इच्छा है कि अधिकाधिक बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसी क्रम में राज्य में निरंतर सरकारी विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम खोले जा रहे हैं जिससे विद्यार्थी हुनर प्राप्त कर भावी जीवन में बेरोजगारी के दंश से बच सकें। इस अवसर पर जाट ने सभी बालिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि बालिकाएं दो घरों के भविष्य का निर्माण करती है, इसलिए बालिकाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। साथ ही जाट ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय को भविष्य के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि ये विद्यालय गरीब बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दक्ष कर भावी वैश्विक चुनौतियों हेतु तैयार कर सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मंडल उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना थी। आभार प्रदर्शन व स्वागत प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय तिवारी, सरपंच संजय भंडिया, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि लादूलाल पहाड़िया, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोवरा, विकास सुवाल का पूर्व सरपंच नारायण लाल बिरला, उमाशंकर बैरवा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण मुंद्रा, रामप्रकाश बसेर, अनवर हुसैन अंसारी, बनवारी लाल ओझा, अल्ताफ काजी, प्रभुलाल गाडरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक व कार्मिक उपस्थित थे। आज का दिन हमें संभव हो पाया, इस चीज को मूर्त रूप राजस्थान की सरकार दे रही है। अशोक गहलोत साहब, जो आज आपको ये साइकिल वितरण हो रही था, आप निश्चित रूप से इसके माध्यम से स्कूल में आना जाना भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई पे भी ध्यान दोगी तो आने वाले समय में जो मैडम बता रही स्कूटी भी मिलेगी बहुत अच्छी तरीके से। धीरे धीरे अगर ऐसी बच्चियां पढ़ेगी तो निश्चित रूप से सभी को स्कूटी मिलने लग जाए, घर वाले भी देते हैं। मैं हर बार कहता हूँ गाँव में, आज से नहीं, मैं जब पहली चेयरमैन था, पहली बार बना, तब से कहता आ रहा हूँ कि दसवीं बारहवीं में बच्चे बच्चों की काउंसलिंग करो। गाँव में बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते हैं,
इस वजह से उनको किस सब्जेक्ट की तरफ जाना है, किस क्लास में जाना, किधर ट्रेनिंग करनी, किधर आईटीआई करनी, किधर बीटेक, एमटेक, कॉमर्स, बीए, जो कौन सा सब्जेक्ट लेना, उसकी जानकारी बच्चे बच्चों को नहीं हो पाती, उनके पेरेंट्स को भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। पुराने जमाने में तो गुरुजी मास्टर जी खुद बता देते थे कि आपका बच्चे को या बच्ची को ये सब्जेक्ट दिलाओ। आजकल के युग में जो कमजोरी आई है, गिरावट आई। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक एमजीएच परिसर भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड वृद्धाश्रम अपना घर में रविवार को शुगर, घुटना दर्द व एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया। इन बीमारियों को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष अग्रवाल व श्याम सुंदर पारिक देखेंगे। अध्यक्ष दलाल समदारी ने बताया कि सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएगी। सोशल मीडिया मानवता की सेवा में बड़ा योगदान साबित हो रहा है। बिहार राज्य के दरभंगा निवासी श्याम झा की पत्नी रोहिणी झा, जो मिश्रा नर्सिंग होम दरभंगा बिहार में भर्ती थी, उनको दुर्लभ रक्त ए नेगेटिव की जरूरत पड़ने पर उनके पति श्याम झा ने भीलवाड़ा के रक्तवीर विक्रम दादीज को व्हाट्सएप किया कि दुर्लभ रक्त जो ब्लड बैंक में नहीं है, उन्हें अपनी पत्नी के लिए रक्त की जरूरत है, आप मदद कर सकते हैं। विक्रम दादीज ने विश्वास दिलाया कि वो रक्तदाता को लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से दरभंगा के रक्तवीर उमेश से संपर्क कर दुर्लभ रक्तवीर प्रशांत कश्यप को सूचना मिलने पर दरभंगा ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान कर पीड़ित को रक्त उपलब्ध करवाया। रक्तदाता के पहुंचने पर झा परिवार को खुशियां मिल पाई है। शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र की अरनिया घोड़ा पंचायत के सरदारपुरा गांव में 3 दिन पूर्व एक मासूम बालिका गैस पर रखे हुए गर्म पानी से बुरी तरह से झुलस गई, लेकिन उसके परिजनों ने उसका इलाज लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के डर के कारण नहीं करवाया। परिजन शाहपुरा के सैटेलाइट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए डर रहे थे।
शाहपुरा नगर पालिका के पार्षद राजेश सोलंकी ने परिजनों से काफी समझाइश के बाद मासूम बालिका को शाहपुरा के सैटेलाइट अस्पताल लाकर इलाज कराया। आपको बता दें कि पार्षद राजेश सोलंकी शाहपुरा में भारत गैस एजेंसी के संचालक भी हैं। उनका कार्मिक बजरंग कुमावत शुक्रवार दोपहर में क्षेत्र में गैस की सप्लाई करने गया तो वहां ग्रामीणों में चर्चा के दौरान उसको नंदलाल बैरवा से पता लगा कि 3 दिन पूर्व गांव में कोई मासूम बालिका गर्म पानी में झुलस गई है। इस पर उसने पता किया तो गांव के कालूलाल बैरवा की 2 वर्षीय मासूम स्वास्थी बैरवा के गर्म पानी में झुलसने की सूचना मिली। इसकी सूचना पर पार्षद राजेश सोलंकी तुरंत ही गांव पहुंचे और परिजनों से इलाज करवाने की समझाइश की। काफी समझाने के बाद पार्षद सोलंकी स्वयं अपनी गाड़ी में झुलसी हुई बालिका वे परिजनों को लेकर शाहपुरा के सैटेलाइट हॉस्पिटल देर शाम को पहुंचे और यहां उसका उपचार करवाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर अभय धाकड़ की देखरेख में बालिका का उपचार किया गया। यहां पार्षद सोलंकी ने मासूम बालिका व उसके परिजनों की हर संभव सहायता की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।